हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्ट्स। और बॉलीवुड रिपोर्ट्स आपको लेकर आया है आज इस हफ्ते आई हुई फिल्म हाउसफुल 4 के पब्लिक रिव्यू पर। जी हाँ, हैप्पी दिवाली बोलती हुई हाउसफुल 4 आ तो गई है, लेकिन ऑडियंस को इससे वाकई कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हैं, क्योंकि इसकी लंबी स्टार कास्ट और सपोर्टिंग एक्टर्स की भीड़ को देखते हुए क्रिटिक्स और ऑडियंस की उम्मीदें वाकई बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन बात करने वाले हैं आज ऑडियंस से कि कैसी लग रही है उन्हें हाउसफुल 4। सो चलिए बिना देर किए चलते हैं सीधे दर्शकों के पास और जानते हैं उनकी राय इस फिल्म के बारे में। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। और लगता है मेरी तब भी लगी थी और अब भी लगेगी। कैसी लगी फिल्म सर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कॉमेडी है। ओके, यानी कि फुल ऑफ कॉमेडी है ये फिल्म? एकदम कॉमेडी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, सॉन्ग्स के बारे में जरा बताएंगे सर, कौन से सॉन्ग्स आपको अच्छे लगे? सबसे अच्छा तो बाला बाला। ओके, और स्टोरी कैसी लगी सर? मैंने सुना कि बहुत मज़ेदार स्टोरी है, पुनर्जन्म एंड ऑल। एकदम कॉमेडी पिक्चर है, बहुत अलग ही हटके बनाई हुई है। कितने स्टार्स देना चाहेंगे सर? मैं 5 स्टार देना चाहता हूँ। महाराज की। तीनों राजकुमारियों का स्वयंवर किया जाएगा। कैसी लगी फिल्म सर? अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत ने सब। ओके, काम किया। ओके, स्टोरी कैसी लगी सर आपको? जी बहुत बढ़िया सर, जी बहुत बढ़िया। सॉन्ग्स वगैरह के बारे में बात करें सर तो? स्पेशली बाला। ओके, स्टार्स अगर देना चाहें आप तो आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 5 स्टार। हाउ अबाउट यू, चलिए बताइए कैसी लगी फिल्म? अच्छी अच्छी लगी। किसका रोल सबसे बेस्ट लगा आपको? अक्षय। अक्षय का रोल सबसे बेस्ट लगा? वो चाकू बहुत घुसे घुसे के मैं तो हंस-हंस पागल हो गया। ओके ओके, कितने स्टार्स देना चाहेंगे आप ओवरऑल इस फिल्म को? 7। आज हम अपनी शाही तलवार नहीं लाए हैं। लाए हैं? कहाँ है? और क्या क्या छुपा रखा है तहखाने में? बहुत अच्छी लगी। मजा आया आपको? बहुत मजा आया। ओके, सबसे बेस्ट रोल आपको किसका लगा? सबके अच्छे ही रोल थे। हाँ, बहुत एंजॉय किया मैं। अच्छा ये बताइए, इसमें इतने सारे एक्टर्स हैं, जैसे जॉनी लीवर हैं, रंजीत साहब हैं और इसके अलावा चंकी पांडे हैं, क्यों तो क्या अक्षय, रितेश और इनके अलावा इनके लिए भी कुछ स्कोप था या फिर सिर्फ हीरोज पर ही फोकस? सब लोगों को इक्वली, मतलब प्रॉपर सब, लाइक बहुत अच्छा। ओके, कोई फेवरेट सीन आपका इस फिल्म में? पूरी मूवी फेवरेट। पूरी मूवी फेवरेट थी। ओके, अच्छा सॉन्ग कैसे लगे आप? बहुत अच्छे थे सॉन्ग्स। ओके, अच्छा स्टार्स कितने देना चाहेंगे आप? 5 स्टार्स। किस मुंह से धन्यवाद करूं आपका? इसी मुंह से कर दीजिए। मूवी बहुत अच्छी थी, मतलब एक रिलेशन दिखाया था 2 जनरेशंस का, तो ठीक है, पसंद आई। यानी कि ऑडियंस दिवाली में आ सकती है यहाँ पर अपनी दिवाली को एंजॉय करने के। ओके, और कोई फेवरेट सीन आपका इस फिल्म? वैसे तो सब अच्छा था, लेकिन लास्ट में जो थोड़ा फनी पार्ट दिखाया था ना, वो भागम दौड़ के टाइम पे, वही अच्छा था। ओके, और कितने स्टार्स देना चाहेंगे आप? 5 में से 4.5। वाह बांगड़ू महाराज वाह। फूलो फलो, अरे फूलो फलो, अरे कोने में तो चलो। काफी अच्छा, मजा आया आपको? हाँ। ओके, और कोई फेवरेट सीन आपका इस फिल्म का? तेरी वाली, तेरी बहन वो। अच्छा वो तेरी वाली, इसकी बीवी और इसकी भाभी। ओके ओके, कितने स्टार्स देना चाहेंगे फिल्म को? 3.5। इसका जन्म पूर्ण जन्म मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। ए, मैं समझाऊंगा, हमेशा तू समझाता है। इसकी बीवी जो है ना, वो इसकी बीवी नहीं है, वो तेरी बीवी है। और मेरी बीवी नहीं है, वो इसकी बीवी है और हम दोनों की भाभी। और जो तेरी बीवी है ना, वो तेरी बीवी नहीं है, वो मेरी बीवी है। हम अपनी बीवियों से शादी कर रहे हैं, अपनी भाभियों से। वन टाइम वॉच। कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 3। थैंक यू। सो दिवाली पार्टी का एक हिस्सा ये भी है कि पूरे ऑफिस का स्टाफ यहाँ पर आज इस फिल्म को देखने आया। कैसी लगी आपको ये फिल्म? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओके, मजा आया। 3 घंटा पूरा हंस हंस के निकाला, एकदम मजा आया, सुपर फिल्म, मजा आया। किसका रोल आपको सबसे बेस्ट लगा? अक्षय कुमार, बाला बाला बाला। यानी कि अब यहाँ से बाहर निकलते ही बाला इज द फेमस कैरेक्टर, राइट?
ओके, तो आपको लगा कि ये दिवाली वाली ये छुट्टी आपने आपकी वर्थ थी आज की? ओके, कितने स्टार्स देना चाहेंगे आप लोग इस फिल्म को? जितने ज़्यादा है वो सबसे, जो हाईएस्ट है वही देंगे। अच्छा, आउट ऑफ फाइव? आउट ऑफ फाइव। अच्छा, कोई फेवरेट सीन बताना चाहेंगे आप लोग इस फिल्म का जो आपको बहुत पसंद आया हो? ओके, बाला डांस, वो बाला चैलेंज। ओके ओके ओके, एनीवेज थैंक यू सो मच एवरीवन। मूवी वन टाइम वॉच है, अच्छी है, मतलब अक्षय कुमार इज बेस्ट। ओके, और कोई फेवरेट सीन आपका इस फिल्म में? फेवरेट सीन तो याद नहीं ऐसा, लेकिन बहुत सारे पंचे जो है वो अच्छे थे इसमें। अच्छा, वन लाइनर्स आपको बहुत पसंद आए। अच्छा, इस फिल्म में देखिए सर, जॉनी लीवर है और बहुत सारे कई धुरंधर कॉमेडियंस हैं, कई बड़े एक्टर्स हैं, तो लीड एक्टर्स के अलावा क्या उनके लिए भी स्कोप था इस फिल्म में? रंजीत तो ऑब्वियसली एंड चंकी पांडे, ओके वो तो बेस्ट है। ओके, लेकिन मेरे ख्याल से अक्षय कुमार ने पूरा मूवी खा लिया है। ओके, ही वाज डन वेरी गुड एक्टिंग एंड द हीरोइन वाज गुड। ओके, यानी कि एक्ट्रेसेस के लिए भी स्कोप था इस पूरी एक्टर्स की भीड़ में, उन्होंने भी अपना रोल बखूबी निभाया। या यू आर राइट। ओके, वन मोर थिंग सर, स्टोरी कैसी लगी सर? सर देखो, जब भी आप कॉमेडी मूवी देखने जाते हो ना, तो दिमाग बाहर रख के जाइए तो ही आप मूवी इन्जॉय कर पाओगे। ओके, अगर दिमाग अंदर रख के जाओगे ना, तो मूवी तो स्टोरी इतनी खास नहीं है, लेकिन दिमाग बाहर रखोगे ना, तो मूवी वॉज फैंटास्टिक। ओके, तो एन्जॉय कर पाएंगे आप। ओके, सो अगर स्टार्स की बात करें, कितने स्टार्स देना चाहेंगे आप आउट ऑफ फाइव? 3.5। स्टोरी लाइन वीक था थोड़ा, और कुछ लोगों का परफॉर्मेंस भी उतनी खास नहीं था, सिर्फ लीड एक्टर और एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा था। ओके, आपको लगता है कि थोड़ा और काम करना चाहिए था स्टोरी पर? शायद ये ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि बहुत सारे राइटर्स ने मिलकर इसको डायरेक्शन एडिटिंग में और थोड़ा इम्प्रूवमेंट्स हो सकता था। क्या अच्छा लगा आपको सर इस फिल्म में? अच्छा, कॉमिक टाइमिंग्स, कॉमिक सीक्वेंसेस बहुत अच्छे थे, जैसे मतलब वो पंचर्स थोड़ा अच्छा था, बट कंटिन्यूस नहीं था, बीच बीच में गैप्स थोड़ा सा बोरिंग लगता था, अदरवाइज ओके था। 2.5। बेबी, हमारा पुनर्जन्म हुआ है, टुकड़े टुकड़े कर दिए। कल मेरी बहन से शादी कर रहे हो, आज मुझे किस करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा तो पुनर्जन्म हुआ है। मेरा पूना में ही जन्म हुआ है। पूरा नहीं, पुनर्जन्म हुआ है। तो ये थी दर्शकों की राय फिल्म हाउसफुल 4 के बारे में, जिसके हाउसफुल होने के चांसेस भरपूर हैं, क्योंकि इस फिल्म में है ढेर सारा कॉमेडी से भरा हुआ मसाला और कई सारे सुपरस्टार्स, यानी कि अक्षय, रितेश के अलावा इतने सारे कॉमेडियंस अगर किसी फिल्म में आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर है। वैसे एक स्टैट्यूटरी वार्निंग आपको ज़रूर देना चाहेंगे कि फिल्म देखने आने से पहले अपना दिमाग घर पर रख कर आए, वरना आपके भेजा फ्राई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, फिल्म देखिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि कैसी लगी आपको ये फिल्म। मिलेंगे किसी और फिल्म के पब्लिक रिव्यू पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।